रुड़की में हाईवे बनने के बाद शहरी इलाके से गुजरने वाले हाईवे को अब स्टेट हाईवे घोषित कर दिया गया है। विधायक प्रदीप बत्रा ने स्टेट हाईवे पर बनने वाली सड़क का फीता काट कर उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि ये सड़क मंगलौर के पास स्थित रिलायंस के पेट्रोल पंप से लेकर हरिद्वार रोड पर स्थित कोर कॉलेज तक बनाई जाएगी। दरअसल इस सड़क को 11 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। फिलहाल इस सड़क की कई जगह से हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, जिस कारण यहां पर हादसे होते रहते हैं। विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि करीब 11 करोड़ की लागत से इस स्टेट हाईवे का निर्माण होगा और शहरी इलाके में हाईवे के दोनों किनारों पर टाइल्स भी लगाई जाएगी। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि शहर का विस्तार हो रहा है और स्टेट हाईवे पर दिल्ली और हरिद्वार की तरफ काफी संख्या में नई आबादी विकसित हुई है। स्टेट हाईवे के निर्माण से उन्हें काफी लाभ मिलेगा। ये जो रुड़की में से जो नेशनल हाईवे निकलता था, वो नेशनल हाईवे बाईपास बन गया है रुड़की का, और ये रोड जो है स्टेट हाईवे बन गई है और उसको PWD को हैंड ओवर कर दिया गया है। तो स्टेट हाईवे का बजट आया है, तो इसमें रोड जो हमारी शहर के बीच में से गुजरती है, इसका चौड़ीकरण होना है, दोनों तरफ 3-3 मीटर टाइल लगनी है। इसमें पानी की निकासी का इंतजाम होना है, नाले बनने हैं कई जगह, और इसमें डिवाइडर्स बनने हैं, क्योंकि अब ये रोड जो है शहरवासियों के लिए और शहरवासी इसे इस्तेमाल करेंगे, बड़ा ट्रैफिक इसमें नहीं आएगा। तो मैं चाह रहे हैं कि इसका सौंदर्यकरण भी हो और इसमें कहते हैं चौड़ीकरण भी हो और ये अच्छी एक रोड बन जाए। ठीक है, काफ़ी काम रुड़की में कर रहे हैं और काफ़ी अभी करने हैं, समस्याएं रोज उत्पन्न होती हैं, रोज़ उनका समाधान होता है। अभी रुड़की में सौंदर्यकरण का कार्य चल रहा है और नए साइड के दोनों चारों घाट जो है वो नए बने हैं अभी, और दो घाट गणेशपुर वाले और बनने हैं, और एक पुल का निर्माण अभी होना है रेलवे ब्रिज के पास, जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए क्रॉस करके स्टेशन जाना बड़ा मुश्किल काम हो गया है, तो पुल का निर्माण बहुत जल्द वहाँ पर शुरू होने वाला है। इसके अलावा सीवर के काम, पानी की लाइनों के काम, प्रॉपर्टी चैम्बर्स कनेक्शन, ये सभी काम चल रहे हैं, और रुड़की मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड का नंबर एक शहर बन जाएगा, इतने विकास कर रहे हैं यहाँ पर।